सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम आपको लेकर के हैं दीदारगंज के भोला होटल में, क्योंकि भाई यहाँ पे ना शेर दिल थाली मिलती है। तो देखते हैं शेर दिल थाली में क्या क्या लगाते हैं। और भाई यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं पीछे मारा मारी हो रही है, पूरे कस्टमर यहाँ पे भरे पड़े हैं, हाउसफुल है। तो चले फटाफट यहाँ पे थाली लगवाते हैं। रवि भैया, ये क्या है इतना सारा मटन? इतना सारा मटन संडे दिन ना है? संडे दिन है तो भाई लोग ऐसे करेंगे, भैया लोग आएंगे। मटन तो अभी इधर है बना हुआ, इधर बना हुआ, इधर है, उधर है। कस्टमर लोग के डिमांड रहता है और भाई के प्यार रहता है, आ जाते हैं खाने के लिए। खाने के लिए तो दूर दूर से आ जाते हैं, शौक से आते हैं। यहाँ ही नहीं देखते हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो इतना खर्च हो जाएगा, वो सब नहीं देखते हैं, माइनस से बात देखते हैं। और ये क्या है सामने? चुस्ता। ये चुस्ता है। ओ हो 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 हो, चुस्ता भी खिलाते हैं यहाँ पे? चुस्ता भी खिला देते हैं सब शेर दिल वाले के लिए। चुस्ते ये देखिए, बड़ा सा चुस्ता, चुस्ता भाई साहब। तो यहाँ पे लगा रहे हैं हम लोग के लिए शेर थाली। शेर थाली लग रहा है। क्या क्या आता है इसमें बताते जाइए, नाम बताते जाएंगे। चावल आ गया, चावल आ चुकी है यहाँ पे सबसे पहले। तो इसमें आलू की भुजिया जाती है, अमरा मिर्चाई चोखा इसी में भाई, चोखा बढ़िया सा मटन का पीस। पीस तो मतलब लोग मांग करके खा सकते हैं आपसे पीस ना? हाँ मांग सकते हैं, आला प्रथम मिलेगा, सवाल नहीं है कि ना मिलेगा। दो पीस का मटन का प्लेट है ना, और ये अलग से उसमें चुस्ता। चुस्ता ओ हो भाई साहब, ये दो दो चुस्ता दे रहे हैं शेर थाली में। शेर थाली में शेर खाएगा दो चुस्ता, दो चुस्ता। अरे बाप रे बाप। तो ये प्लेट बनकर के तैयार है बॉस। रवि भैया, इस थाली का दाम कितना होने वाला है? उस थाली का दाम हो जाएगा 850। अब उसी में से खाली चुस्ता निकल जाएगा तो 150 रुपया थाली हो जाएगा। बस 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 बस। अगर मान लीजिए उतना महंगा नहीं खाना चाहते हैं, चुस्ता कटिंग भी मिल जाता है जो 60 रुपए पीस रहता है। ये काट के कितना रुपए पीस मिलता है? ये बस 60 रुपए पीस है। 60 रुपए का एक पीस चुस्ता। तो भाई ये आ चुकी है अपनी थाली और हम अभी सड़कों पे खा रहे हैं क्योंकि भाई भीड़ इतनी थी। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये पीस दिखाने वाला हूँ। ये भाई यहाँ पे नल्ली की पीस अपनी, ओ हो 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 भाई, बाइक पे रख करके खा रहे हैं। और ये देख सकते हैं छूते ही बस ये एकदम अलग अलग हो रही है। आय हाय हाय, कितने अच्छे तरीके से ये पूरी पक चुकी है भाई, इसी से अंदाजा हो जाता है। तो खैर स्वाद जो है ना, सबसे पहले मीट का लेते हैं। एवन से इज द बेस्ट वन, क्योंकि भाई अभी भी मुझे महेश का बेस्ट लगता है, लेकिन स्वाद इनकी भी दिलचस्प है। चावल के साथ इसे मिक्स करिए, इनका हल्का सा प्याज वाला जो बनाते हैं ना, भुना हुआ प्याज के साथ ग्रेवी, और लेते हैं बढ़िया सा स्वाद। ठीक है, एवरेज है, डिसेंट है। मन मेरा जो है वो इस आमरा को खाने के लिए कर रहा है। देख रहे होंगे कि मेरा आंख बंद हो रहा था क्योंकि इसमें हल्का सा खटमिठा फ्लेवर आता है। बात करेंगे आके इस लाजवाब रसगुल्ले मलाई चुस्ता, जो कह लीजिए उसकी। मेरे पूरे जिंदगी का पहला चुस्ता हो जिसे मैं मजेदार तरीके से खाने वाला हूँ आज, वाकई में स्वादिष्ट है। तो भाई 150 वाली थाली ही खाना आप लोगों के लिए सही है, छोटा सा चुस्ता ले लो अगर आपको चुस्ता पसंद है, पैसे भी बचाओ और एंजॉय भी करो। तो चलिए गाइस, मैं इस पूरी थाली को खाता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में, किसी और डिश, किसी और लोकेशन के साथ। फिर फूडी समझ का आप सभी को टाटा बाय बाय एंड सायोनारा।